नजर न्यूज सच की किरण। नमस्कार, स्वागत है आपका लेजर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नरेंद्र मोदी जी, 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डाले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। मतलब उधर रेट डल रही थी, उसके आसपास इधर उनके चंदे में कोविड यातनाओं का की पराकाष्ठा थी। हर व्यक्ति जिसके पास जो था देने को तैयार हो रहा था, सेवा करने के लिए तैयार होता, गरीब से गरीब भी अपना सब कुछ लुटाने में लगा था। तब नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन कोविड सील के पूनावाला से मिले थे 50 करोड़ रुपए, उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया कोविड सील। आप देखो, उस मौत के तांडव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लूट की नीति है उसको अपनाए रखी। फिर उसी कंपनी को सारे नियमों को शीतल करके कोविड सील की अनुमति सबसे पहली मिली थी, जिससे आज अटैक आ रहे हैं लोगों को, मर रहे हैं लोग, खड़े खड़े गिर रहे हैं लोग, मौत के सौदागर जैसा काम। जो परिवार के लोग, जो परिवार के साथी हमारे गए, ये आखिर कोविड में भी चंदे का धंधा इनका चलता रहा। अभी मैंने जैसा कहा, आज ट्वीट भी किया है, एसबीआई ने 18,871 लोगों ने चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की, 20,411 चंदा लेने वालों की सूची भी है, 1550 लोगों की सूची में का अंतर है। 2019 के पहले की लिस्ट एसबीआई ने भी नहीं दी, वहां भी गड़बड़ है, और ये एसबीआई पहले भी नहीं दे रही थी, जो कोर्ट ने फटकार लगाई तब दी। इसका मतलब ये है कि मोदी मित्र सूट बूट और लूट की सरकार जो राहुल गांधी जी कहते थे, उनका नाम नहीं है इसमें। क्यों भैया, क्यों नहीं है? और ये 19 से पहले के नाम क्यों छुपाए गए? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देशवासियों जानो, हम बदलाव के लिए, नया भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई रहित देश बने, किसानों की आमदनी बने, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए मोदी जी को हमने चुना था, भारतीय जनता पार्टी को चुना था। एक भी नारा नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल पहले दिया पूरा हुआ हो, तो मैं सोचता हूं कि आपका जो आपने मत दिया, देश ने भरोसा किया, वो वाजिब है। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम लोगों को, देशवासियों को विचार करना चाहिए। मैंने जैसा कहा, कोविड की यातनाएं जब सह रहा था, जब बीजेपी चंदा ले रही थी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में बेरोजगारी नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री है, अगर आपके घर में महंगाई की मार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, अगर आपके घर में किसी प्रकार का नशा कोई बच्चा या परिवार का साथी नहीं करता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, अगर किसान है उसकी आमदनी बढ़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, अगर किसान पे कर्ज नहीं है नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, अगर अपने आपने कोविड में अपने परिवार वालों को, आप बीमार नहीं हुए, आपने आपने आपको लुटवाया नहीं, आप हॉस्पिटल में पैसे दे के नहीं आए, तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, पर अगर सब यातनाएं आप सह रहे हो तो फिर सिर्फ भावनाओं से नरेंद्र मोदी जी झूठ का मायाजाल जल्लट फैलाकर भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट लेती है, आपको, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए विचार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं यह अभी बानगी आई है, इसके और खुलासे होंगे, पूरे देश में इसके आंदोलन भी होंगे। मध्य प्रदेश में जैसा लगातार अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगाने की कोशिश करती है, ये संकट है आपके लोकतंत्र पे, अहंकार है रावण जैसा, ये भाषा बोल के, ये इस तरह का फिनोमा ऐसा कि पूरी मीडिया भी इनके साथ है। क्यों? इसलिए कि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल सरकार पे डिपेंडेंट हो गया है,
जकड़ गया है, जिससे लोकतंत्र बचाने वाली मीडिया लोकतंत्र अब खतरे में हो वो भी नहीं बता पा रही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध, देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, कई चैनलों में मेरी बात ये नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूं, पर मेरे खुद के ट्विटर अकाउंट पे ये बात आएगी जो मैं बोल रहा हूं। तो मैं फिर से एक बार देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं, काला धन लाने वाली बीजेपी ने, देश में हर व्यक्ति को 15-15 लाख देने वाले नरेंद्र मोदी ने काला धन पूरे देश से अपनी भारतीय जनता पार्टी में डलवाया। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन कंपनियों पर रेड डली ईडी की और सीबीआई की, उन सब ने चंदा दिया बीजेपी को। ये क्या है, चंदा की उगाही नहीं है तो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में एक दारू का माफिया है जिसकी गिरफ्तारी हुई, 34 करोड़ रुपए उसने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खाते में दिए और 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसकी जमानत हुई। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि काले धन की लूट, चंदे की लूट एजेंसी बन गई हमारी भारत की व्यवस्था, ये चंदा उगवाने में, और ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। धन्यवाद। जो मूलभूत मुद्दे हैं आम जनता के, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, क्या इन सारे मुद्दों से दोनों ही पार्टियां राजनीति क्यों भटक गई है? हमने ये भ्रष्टाचारी तो है, ये भ्रष्टाचार है, हम अपनी बात कहते जा रहे हैं, बार बार कहते जा रहे हैं, हर बार कहते जा रहे हैं। तो ये अब देश की और प्रदेश की जनता को स्वतः भी जागना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जब अध्यक्ष बने उसके बाद से कई सीनियर नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, ऐसा किसने के नाम बताओ एक आज का है। जैसा है अंतर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हमने उनको निष्कासित कर रखा है, पार्टी से बाहर कर रखा है। अगर वो गए तो उनको धन्यवाद, हमारी पार्टी में नहीं थे वो बीजेपी में ही थे। इसका इसके पहले जो लोग गए उसको मैं वक्तव्य दे चुका हूँ, 80% लोग वो बीजेपी में गए हैं जिन लोगों को पहले ऑलरेडी हमने निकाल रखा था, आज हम वो लिस्ट जारी करा। जीतू भाई, ये मानते हैं कि आपको कमलनाथ जी को टारगेट कर रही है बीजेपी, क्योंकि वहाँ भी कुछ पार्षदों को बीजेपी ज्वाइन करवाया? नहीं, ऐसा ये फिर वो बात है, कैसे कर रही है टारगेट? अभी भी हमारे यहाँ से जो गए हैं उसका मैं वक्तव्य, हम हमारी पार्टी में ही नहीं थे तो नेचुरल है कोई बात। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जिस तरह से लिस्ट जारी हुई है, तो क्या आप कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई 2019 के पहले, तो क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मुद्दे को लेकर? इसमें नेशनल का हमारी पार्टी जो हमारी बॉडी है वो निर्णय ले रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बाकी डाटा भी हम इस पर रिसर्च चल रहा है, एक एक चीज बाहर लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार फूट रहा है, फूट रहा है, फूट रहा है, तो कांग्रेस का दायित्व है वो निभाए। सर, आंदोलन की बात करिए, क्या रणनीति पूरे देश में, पूरे देश नरेंद्र मोदी जी के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन। सर, एक सवाल, कल आचार संहिता लग सकती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली गई है, मध्य प्रदेश में 18 प्रत्याशी आपके रुके हुए, कब तक आ जाएंगे? 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाए। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और, ये है लेजर न्यूज, सच की किरण।